साथियों, आज हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने ओरा को, अपने आभा मंडल को, किस तरह से हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को या एनर्जी फील्ड को हील कर सकते हैं एंड क्लीन कर सकते हैं। साथियों, हर इंसान का एक ओरा होता है जो उसके साथ चलता है। ये हमें नेकेड आई से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या वैज्ञानिक यंत्रों से इसे देखा जा सकता है। आगे चलने से पहले दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक लेकर के आया हूं 5 डे ऑनलाइन फ्री वर्कशॉप, जो आपको इमोशनली हील करेगी, मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। ये वर्कशॉप पूरी तरह से फ्री है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जल्द ही रजिस्टर कर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि हर इंसान का एक आभा मंडल होता है, हर इंसान का एक ओरा होता है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के संपर्क में आने के बाद में बहुत आप अच्छा महसूस करते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं, आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, आपके लिए सब कुछ आसान लगने लगता है, आपका जीवन जीने का मन करने लगता है, जीवन में उमंगे और तरंगे बढ़ जाती हैं। कुछ इंसान दोस्तों ऐसे भी होंगे जिनको आपने फील किया होगा, आप उनके संपर्क में आते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, सब कुछ असंभव और कठिन लगने लगता है। यही फर्क है साथियों, जिन लोगों का ओरा, जिन लोगों का मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होता है, आप उनके संपर्क में आने के बाद में आपका भी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज हो जाता है, आप भी पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं, और जिनका वीक होता है वहाँ पर आप भी उनकी एनर्जी से प्रभावित होते हैं। सवाल यह है साथियों कि किस तरह से हम अपने ओरा को बढ़ा सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं, या इसको हील कर सकते हैं, या इसे हम क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपसे दो तरीके बताऊंगा। एक तो वो जो आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ करना होगा, इसके साथ साथ इंटरनली मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा या एक मेडिटेशन कराऊंगा। यदि साथियों आप उसे करेंगे तो निश्चित ही उसी पल आप अच्छा महसूस करेंगे। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं साथियों कि आपको बाहरी जगत में क्या करना है। यदि आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, अपने नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, अपने ओरा को क्लीन करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए साथियों पहला आप रूटीन बनाएं। हर दिन या वीकेंड पर, जैसे भी आपका स्केड्यूल आपको अलाउ करता हो, आप नेचर के बीच में समय बिताएं, नेचर के साथ में रहें, नेचर के पास में रहें। आपके आसपास जरूर पेड़ पौधे होंगे, वृक्ष होंगे, उनको देखिएगा। कोई बड़ा वृक्ष हो तो उसे अपने गले लगाइएगा, थोड़ी देर आप उसके साथ एक हो जाइएगा। आप महसूस करिएगा कि वह आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है और आप पॉजिटिविटी से भरते हुए जा रहे हैं। आप आकाश के साथ, पहाड़ के साथ, पौधों के साथ, झरनों के साथ, तालाब के साथ में थोड़ी देर बिल्कुल शांत मन से एक हो जाइएगा। बादलों को देखिएगा, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखिएगा, देखिएगा आसमान कैसा दिखता है, पृथ्वी कैसी है, आप महसूस करिएगा आसपास नेचर में जितना समय बिताएंगे साथियों। लेकिन ध्यान रहे, आप वहाँ पर कोई मीनिंग ना दें, जजमेंटल ना बने। आप यदि मीनिंग देंगे तो आप चूक जाएंगे, वरना आप विचारों के तूफान में फिर फंस जाएंगे, आप कंपैरिजन में फंस जाएंगे, आप जजमेंटल होते चले जाएंगे। जो है, जैसा पेड़ है, जैसा फूल है, जैसा पौधा है, जैसे भी कुछ आपको आसपास दिखता है, जो भी जैसा पानी है, आसमान साफ है, घना है, बादल है, नीला है, जो भी जैसा दिखता है, आप बस उसके साथ में एक हो जाइएगा। साथियों, नेचर हमारी नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी सक करती है, इसलिए लोग बहुत बार वीकेंड पर या बहुत बार लंबे समय तक के लिए अकेले नेचर के बीच में रहते हैं, जहाँ से उनके अंदर फिर से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, ओरा क्लीन हो जाता है, हील हो जाता है, एक्सपेंड करने लगता है, उनके अंदर की ऊर्जा बढ़ने लगती है, उनको फिर से जीवन जीने का या फिर से जीवन की उमंगे और तरंगे बढ़ने लगती हैं, सब कुछ आसान लगने लगता है। दूसरा साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि यदि रोज करें या आप वीकेंड में जब भी आपको संभव हो, आप आसपास किसी ऐसी जगह पर जाइएगा जहाँ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। मेरा मतलब कि हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं या और धार्मिक स्थल हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा सक करते हैं, बहुत ज़्यादा डिविनिटी या पॉजिटिविटी वहाँ पर उपलब्ध होती है। आप थोड़ी देर के लिए जाकर के वहाँ पर बैठ जाइएगा, वहाँ पर भी कोई मीनिंग नहीं देना है, कुछ भी जजमेंटल नहीं होना है, बस शांत बैठ जाना है,
हिलना डुलना भी नहीं है, थोड़ी देर शांत बैठ जाइएगा, आंखें बंद करके अपना समय वहां पर बिताइएगा और महसूस करें कि आप पॉजिटिविटी को इनहेल करते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी को आप सक करते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर उतरती जा रही है और आप वहाँ शांति से थोड़ी देर के लिए बैठे रहिएगा। हर दिन करें तो अति उत्तम है, यदि हर दिन संभव नहीं है दोस्तों तो वीकेंड पर या महीने में एक बार या दो बार, जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा समय यदि बिताएंगे तो आपके अंदर की नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी, आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जैसे हम अंदर से होते हैं ऐसे ही हम बाहर में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं और आप पाएंगे कि आपका ओरा क्लीन है, आपका ओरा हील्ड है और आप अपने आप में पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की वजह से लोग भी आपके संपर्क में आने से अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपका जीवन बदलता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी नेगेटिविटी को अपने घर से दूर करने के लिए कभी कभी आप ऐसा करें, जब आप घर को क्लीन करते हैं या पोछा लगाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा नमक डालें, समुद्री नमक, सी सोल्ट उसमें डाल करके आप पोछा लगाइएगा, क्लीन करिएगा। इसी के साथ साथ साथियों जब आप नहाने के लिए जाएं तो एक चम्मच समुद्री नमक आप अपने नहाने के पानी में मिलाएं, उससे आप स्नान करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप हल्के हो गए, आपके अंदर बहुत ही शांत स्वभाव उतरने लगा, आपकी नेगेटिविटी दूर होने लगी, आप बहुत ही लाइट और क्लीन महसूस करेंगे, अनुभव जरूर करके देखिएगा। नेक्स्ट साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें, जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आप उनके संपर्क में रहें, पॉजिटिव पढ़ें, पॉजिटिव सुनें, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव ही डिस्कस करें। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसी हम बातें करते हैं दोस्तों वैसे ही हम होने लगते हैं। यदि आप ये सब कुछ करेंगे तो निश्चित ही आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर की नेगेटिविटी चली जाएगी, आपका ओरा एक्सपेंड होगा, आपका ओरा क्लीन हो जाएगा, आपका ओरा हील हो जाएगा। इतना कुछ करना आपके लिए बहुत संभव है, आप इसे कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अंदर को कैसे यहाँ पर हील करें या कैसे क्लीन करें। इसके लिए मैं एक मेडिटेशन अभी आपको कराता हूँ, आप थोड़ी देर आंख बंद करके अभी बैठ जाइएगा। यदि कुछ आप काम नहीं कर रहे हैं, यदि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो अभी बैठ जाइएगा या जब भी आपको समय मिले अब आप इसको समझ लीजिएगा, तब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। आप इसको सुनेंगे और आप इसको मेरे साथ करते हुए चले जाएंगे, अभी समय है तो अभी आपको परिणाम इसके मिलेंगे। थोड़ी देर शांति के साथ में आँख बंद करके बैठ जाइएगा, सहजता से अपनी आँखें बंद करिएगा, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, शांत बैठ जाना है। आप चेयर पर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं, आप बिस्तर पर बैठे, कहीं पर भी जहां पर भी हैं आप शांति से बैठ जाइए, सहजता से अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे एक्सहेल करें। अपने श्वास से जुड़िएगा, अपने अंदर आइएगा, बाहर भागते हुए मन को अंदर ले आइएगा। श्वास जैसे जैसे अंदर जाती है आपका मन भी साथ जाता है और श्वास जैसे जैसे बाहर आती है आपका मन भी आपकी श्वास से जुड़ा हुआ है। गहरी लंबी श्वास और धीरे धीरे एक्सहेल करें, अपने श्वास से जुड़े थोड़ी देर करेंगे, जब भी आप अनुभव कर पाएंगे साथियों, एक्सपीरियंस करें, अपने श्वास से जुड़ें। इमेजिन करें, महसूस करें कि आपके चारों तरफ एक वाइट लाइट जो आपको पूरी तरह से कवर किए हुए है, जो प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है, आपको चारों तरफ से कवर किए हुए एक वाइट लाइट, वार्मथ विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड लव आपको कवर किए हुए। ब्रीद इन, गहरी लंबी सांस लें और महसूस करें कि आपका पूरा शरीर, आपकी बॉडी इस लाइट को अपने अंदर लेती हुई, इनहेल करती हुई, महसूस करें कि आप ये लाइट इनहेल करते हुए जो पूरी तरह से सकारात्मकता से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है, लव एंड पॉजिटिविटी से भरी हुई है, आपके अंदर की हर एक सेल को,
आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को क्लीन करती हुई हील करती हुई क्लीन करती हुई हील करती हुई। आप एक्सहेल करिएगा, श्वास को बाहर छोड़िएगा। जैसे आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर आती हुई, और जो लाइट आपको कवर किए हुए है उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप में एब्जॉर्ब करती हुई। फिर से इनहेल करें, पॉजिटिविटी प्रेम सकारात्मक ऊर्जा को आप इनहेल करते हुए पॉजिटिव लाइट आप इनहेल करते हुए अब महसूस करें आपके शरीर में कहीं भी कोई टेंशन है, खिंचाव है, तनाव है, डिस्कम्फर्ट है, दर्द है, पीड़ा है। इनहेल करने के बाद में महसूस करें, फील करें ये लाइट वहां पर हील करती हुई, उस जगह को हील करती हुई, जगह हील होती हुई, वो शरीर का अंग आपका हील होता हुआ अंदर से बाहर से जहां भी है महसूस करें, हीलिंग महसूस करें। साथियों, हमारे पास पावर है, हम अपने ओरा को क्लीन कर सकते हैं, हम अपने इनर सेल्फ को हील कर सकते हैं। अपने बिलीफ को गहरा रखें, जैसा हम मानने लगते हैं वैसा ही होने लगता है। हील करते हुए क्लीन करते हुए एक्सहेल करिएगा, आपका डिस्कम्फर्ट, दर्द, पेन, एंग्जाइटी, जो भी कुछ आपके अंदर नेगेटिव है आप उसको एक्सहेल करते हुए, आप अपनी टेंशन को, जो खिंचाव है, जो तनाव है, उसको एक्सहेल करते हुए ये लाइट उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करती हुई सक करती हुई। फिर से इनहेल करें पॉजिटिव एनर्जी को, विच इज़ फिल्ड विद लव एंड पॉजिटिविटी। इस लाइट को इनहेल करें, आपको सर से नीचे, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधों पर, अंदर बाहर से हील करती हुई नीचे तक अपनी चेतना को ले जाएं, ध्यान ले जाएं, पूरी तरह से हील करती हुई। स्पेशली वहाँ रुक जाएं जहाँ आपको टेंशन है, डिस्कम्फर्ट है, दुख, दर्द, तनाव है, वहाँ पर रुक जाएं। महसूस करें कि वो आपके शरीर का अंग हील होता हुआ, आराम से बैठे रहें और हीलिंग महसूस करें, हीलिंग महसूस करें, हील होते हुए एक्सहेल कर दें, पूरी तरह से श्वास बाहर छोड़ें। फिर से इनहेल करें डिवाइन लाइट विद लव एंड पॉजिटिविटी। आप इनहेल करते हुए सर से पैर तक सभी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट, सभी दर्द, सभी तनाव आपके हील होते हुए महसूस करें, महसूस करें, एक्सहेल कर दें। इनहेल एक्सहेल का टाइम आप अपनी सुविधा अनुसार सेट कर सकते हैं। इनहेल करें, हीलिंग महसूस करें पूरे शरीर में, एक्सहेल कर दीजिएगा। हर एक बॉडी सेल हील होती हुई, स्वस्थ होती हुई, सुखद और शांत महसूस करती हुई, सभी न्यूरॉन्स को ऊर्जा मिलती हुई। इनहेल करें और एक्सहेल कर दीजिएगा। ऑसम, इनहेल करें और एक्सहेल करें। महसूस करें कि आपका ओरा पूरी तरह से क्लीन होता हुआ, एक्सपेंड होता हुआ, हील होता हुआ। आपका ओरा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपका आभा मंडल, आपका एनर्जी फील्ड पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। महसूस करें, जो हम मानते हैं, जो महसूस करते हैं, वही जीवन में मैनिफेस्ट होने लगता है। अब आपका ओरा पूरी तरह से क्लीन है, पॉजिटिव है। अब आप एक नए इंसान हैं, यू आर ए न्यू बीइंग नाउ।
महसूस करें अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को, डिविनिटी को, प्रेम को महसूस करें। इमेजिन करें जो भी लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, जो भी लोग आपको मिल रहे हैं, वो भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं, वो भी सकारात्मक होते जा रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को आप फैला रहे हैं। आपकी दुनिया अंदर की और बाहर की बदलती जा रही है। ऑरा इज एक्सपेंडेड, आभा मंडल आपका साफ है, क्लीन है, हील है। नाउ यू आर हील्ड कंप्लीटली। महसूस करें इस हीलिंग को, इस स्वास्थ्य को, इस शांति को, इस आनंद को महसूस करें। ध्यान अपना श्वास पर ले जाएं, अंदर जाती हुई श्वास पर जोड़ें, बाहर जाती हुई श्वास पर लगाएं। जिस जगह पर बैठे हैं उसे महसूस करें, उसे फील करें साथियों, जहां पर भी आप बैठे हैं। अपने हाथ पैरों को धीरे से हिलाइएगा और सहजता से अपनी आंखें खोल दीजिएगा। वेलकम बैक साथियों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि ये छोटे से काम दोस्तों आप रोज करेंगे, जो बहुत संभव है आप कर सकते हैं, आपके अंदर चाहे जितनी नेगेटिविटी आज डीप रूटेड है, आप इसे बहुत जल्दी बाहर कर सकते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड में साथियों मैंने कुछ आसान से तरीके बताए, आप इन्हें अपना लीजिएगा। आप इसे मेडिटेशन को, विजुलाइजेशन को करिएगा। अभी आपने किया होगा तो आप अपने अंदर एक नई केमिस्ट्री अनुभव कर रहे होंगे, आपके रासायनिक परिवर्तन बदले होंगे, आपकी सेल साथियों पूरी तरह से हील्ड हैं, एम्पावर्ड हैं, आपके न्यूरॉन्स के पास में पूरी ऊर्जा है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बदल चुकी है, आपके परसेप्शन बदलेंगे। बस आप इसका रोज अनुभव करना, आपके अंदर परिवर्तन आएगा साथियों। मैं फिर से साथियों आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए 5 डे ऑनलाइन फ्री वर्कशॉप लेकर के आया हूँ, जहाँ पर आप अपने आप को अटेंड करके मेंटली स्ट्रोंग, इमोशनली बैलेंस्ड कर सकते हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी या एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक कर अभी रजिस्टर कर सकते हैं, सीट्स आर लिमिटेड। साथियों आपसे अंत में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।